हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। आज हम लोग का सिक्स लेक्चर एमसीक्यू सिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे लिखा है, रीड कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी अभी दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले स्पर्श योजना का फुल फॉर्म, सो स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। ठीक है, यानी कि ये योजना उन बच्चों के लिए है एज अ स्कॉलरशिप जिनकी हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन। फिलाटेली का मतलब होता है स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि डाक टिकट। ठीक है, सो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। आज की डेट में हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के हेड कौन है? मनोज सिन्हा। अब ये स्कॉलरशिप मिलेगी किसको? सिक्स क्लास से नाइन्थ क्लास तक के बच्चों को जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और साथ में उनको फिलाटेली का शौक है, यानी कि डाक टिकट कलेक्शन का शौक है। और उनका स्कॉलरशिप का प्राइस क्या होगा? 5,500 पर मंथ, 6,000 पर एनम। ठीक है, सो आप लोगों को स्पर्श का फुल फॉर्म याद रखना है, किस डिपार्टमेंट ने करवाया है याद रखना है, और उस डिपार्टमेंट का हेड कौन है याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अभी अभी यूनेस्को ने इंडिया के एक टेम्पल को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया है 2017 में, तो वो टेम्पल कौन सा है? वो टेम्पल है श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल। ये साउथ का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये साउथ में कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्टेट में। ठीक है, एक सिटी है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, वहाँ पे ये टेम्पल है। अब ये टेम्पल है कहाँ पे? कावेरी और कोलिडाम रिवर है उसके बीच में ये टेम्पल स्थित है। इस टेम्पल की खासियत क्या है? इसमें सात प्रखर हैं यानी कि शिखर और 21 टावर हैं। ठीक है, और उन 21 टावरों में एक राजगोपुरम है 236 फीट का, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट राजगोपुरम है। ठीक है, अब इस टेम्पल की आर्किटेक्चर की बात की जाती है तो ये द्रविड़ियन स्टाइल में बना हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी गांधार शैली, द्रविड़ शैली का है ना, अब काबुल की शैली, तो इसी तरह ये द्रविड़ियन शैली में बना हुआ है और ये एक हिंदू टेम्पल है। सो आपको क्या याद रखना है? यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड किसको दिया है? श्री रंगनाथन स्वामी टेम्पल को। और इस टेम्पल की आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? द्रविड़ियन स्टाइल है। इसका जो गोपुरम है 236 फीट का, वो वर्ल्ड में हाइएस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक इस साल 2017 में 53rd ज्ञानपीठ अवार्ड का वितरण हुआ है, जो कि किसको मिला है इस बार? कृष्णा सोबती को। अब मैं बता दूं ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि साहित्य में दिया जाता है उपलब्धि के तौर पे। ठीक है, सो इस बार जो कृष्णा सोबती को मिला है वो कौन है? वो हिंदी के एक बहुत ही जाने माने लेखकार हैं। इसके साथ ही उनका हिंदी, उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज पे भी काफ़ी अच्छा कमांड है। सो इस साल उनको मिला हुआ ये। सो ये क्योंकि ये अवार्ड है ज्ञानपीठ साहित्य से रिलेटेड, तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जाता है बुक एंड ऑथर से, तो बुक एंड ऑथर में ये भी आ जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर। आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि सपोज अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं क्वेश्चन काफ़ी जल्दी रीड कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन का मतलब हिंदी में, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच चार में दिया गया है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे अभी अभी टूर्नामेंट एक खेला जाएगा टू कर्ब ड्रग मिनास। मिनास का मतलब होता है क्या? मिनास मतलब जो उससे नुकसान, खतरे। ठीक है, ड्रग से क्या क्या खतरे होते हैं उसको कम करने, उसको खत्म करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने टूर्नामेंट करवाया? तो वो है पंजाब, पंजाब स्टेट में। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा मिलेगा यूथ में, कि विदाउट ड्रग स्पोर्ट्समैनशिप कैसे खेला जाए, कोई भी स्पोर्ट्स कैसे खेला जाए बिना किसी मेडिसिन की सहायता के। और इसमें क्या होगा, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपका डोप टेस्ट किया जाएगा,
कि आपने कहीं कोई ऐसी प्रतिबंधित दवाएं या स्टेरॉयड तो नहीं लिया ताकि आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ठीक है, सो ये जस्ट एज अ नॉलेज था कि क्योंकि ये अपने इस तरह का पहली बार हुआ है पूरे इंडिया में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 2017 में महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है अभी अभी। ठीक है, वो कौन सी टीम है? इंडिया की टीम। इंडिया टीम की महिला हॉकी टीम ने एशिया कप जीता है 2017 में, और ये हराया किसको था? चाइना को 5-4 से। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो 2017 में इंडिया ने कप जीता ये सेकंड टाइम है। इससे पहले भी एक बार जीता था 2004 में जब उसने जापान को हराया था। ठीक है, और ये वर्ल्ड ये एशिया कप जीतने के साथ ही इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है 2018 के वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो कि इंग्लैंड में होगा 2018 में। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन गया कि 2018 का वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंग्लैंड में। तो आप लोगों को याद रखना है, एशिया कप जीता है इंडिया की टीम ने और 2018 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है जो कि इंग्लैंड में होगा। आप लोगों को बस ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ रहे होंगे। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको डाउट लगे वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, उसका आंसर लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो नोट कर लीजिए। कई बार होता है कि मैं एक छोटे से क्वेश्चन में आपको सारी नॉलेज नहीं दे पाता, सिर्फ उतनी देता हूँ जितनी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कहीं कुछ कमी है तो आप लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। भारत गौरव अवार्ड 2017 किसको मिला है? सो वो है अनिल कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अब ये अनिल कुमार त्रिपाठी कौन है? अनिल कुमार त्रिपाठी एक साइंटिस्ट हैं। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अब ये अवार्ड इनको मिला क्यों है? कौन से डिपार्टमेंट मीन्स कौन सी फील्ड में मिला है? साइंस और टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में मिला है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भारत गौरव अवार्ड है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सो 2012 में संस्कृति युवा संस्था एक जो कि एक एनजीओ है। ठीक है, क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 2012 में इसने एक अवार्ड स्टार्ट किया, भारत गौरव अवार्ड। अब ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में, उन भारतीयों को दिया जाता है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। ठीक है, अब वो किसी भी देश में हो सकते हैं, अमेरिका में हो सकते हैं, जापान में हो सकते हैं, इंग्लैंड में हो सकते हैं। पूरे वर्ल्ड से ये संस्था ऐसे लोगों को ढूंढती है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और उनमें से सेलेक्ट करती है किसको प्राइज दिया जाए। तो इस बार ये प्राइज किसको दिया गया है? अनिल कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है भारत गौरव अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाली यात्रा, यात्रा का मतलब होता है या यात्रा। ये एक फेस्टिवल है, ये कहाँ पे होता है? तो उसका आंसर है उड़ीसा। अब बाली यात्रा क्यों, मैं आपको बता दूं कि ये उड़ीसा में फेमस है काफी फेस्टिवल ये, और ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कटक में, जो कि कहाँ पे है? महानदी रिवर के घाट पे है। ठीक है, मतलब महानदी रिवर एक है उसके घाट पे इस फेस्टिवल की स्टार्टिंग होती है। अब इसको बाली यात्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता था पुराने टाइम पे, हमारे यहाँ जो उड़ीसा में जो खेती होती थी उससे जो अनाज होता था उसको क्या करते थे, नदी के रास्ते, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी के रास्ते इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली में पहुंचाया जाता था। ठीक है, पहली बार किसी ने समुद्र में कदम रखा था उस टाइम पे, तो उसी चीज की याद में ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, एंशियंट ट्रेडर्स ऑफ उड़ीसा वुड सेट सेल ऑफ डिस्टेंट लैंड ऑफ बाली, यानी कि जो उड़ीसा के प्राचीन काल के वो थे यात्री या व्यापारी, उन्होंने बाली, जावा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में अपने प्रचार और प्रसार के लिए ये काम शुरू किया था, तब से ये फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल। आप लोग सोच रहे होंगे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या यूज़ है, मैं बता दूँ इसका ये यूज़ इसलिए है इस फेस्टिवल का क्योंकि ये कल्चरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अभी आपने सुना होगा जल्लीकट्टू,
काफी फेमस रहा, क्योंकि ये भी एक तरह से खेल था जो कि तमिलनाडु में खेला जाता था। उसी तरह से ये भी एक फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें कोरिलेट करती हैं हमारी कल्चर को, खासतौर पे हिस्टोरिकल कल्चर को, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आज आपने देखा 7 क्वेश्चन मैं लेके आया, और 7 क्वेश्चन अलग अलग फील्ड से थे। पहला क्वेश्चन था गवर्नमेंट की स्कीम से, दूसरा क्वेश्चन था यूनेस्को से, यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल अफेयर हो गया। तीसरा प्राइस था, क्वेश्चन था ज्ञानपीठ अवस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि एक लिटरेचर से हो गया। चौथा एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, पांचवा भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, छठा प्राइस से रिलेटेड था, और सातवां एक फेस्टिवल था कल्चरल। सो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब अपने नोट्स बनाएं तो नोट्स में आप लोग स्पेसिफिकली लिखें कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ये कल्चरल इवेंट है, ताकि चीज़ों को आप लोग, अभी क्या अभी आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी आपके पास मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, तो आपको सब याद होंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब आपके पास 1000 क्वेश्चन के आसपास होंगे तब आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अभी से एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स बनाने का मैंने तरीका बताया है, ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर सब कुछ याद रहे अच्छे से और आप लोग बेटर परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मेरे इस ट्रिक्स को आप लोग याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स इसी हिसाब से बनाएं, जो कि आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।